फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं आपको व्रत स्पेशल उपवास की भेल कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी बताऊंगी। ये एकदम चटपटी और बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप ये मेरी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी ही नई रेसिपी के लिए प्लीज़ आप बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए। तो पहले हम भेल के लिए चटनी बनाएंगे। तो मैंने एक कप धनिया लिया है, एक अदरक का टुकड़ा, दो हरी मिर्च या स्वाद के अनुसार, एक टेबल स्पून पुदीना, पुदीना के पत्ते आपको अगर पसंद है तो ऐड कीजिए, नहीं तो स्किप कीजिए। आधा टीस्पून हम जीरा डाल देंगे, सेंधा नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, और मैं डाल दूंगी आधा नींबू का रस, और एक टीस्पून मैं चीनी ऐड कर दूंगी। और हम चटनी को पीस लेंगे। एक दो चम्मच मैंने पानी यूज करके पीस लिया है, ऐसा स्मूथ आप देख सकते हो। तो अभी हम भेल बनाना चालू कर देंगे। तो एक बाउल में मैंने लिए एक तिहाई कप उबले हुए आलू के टुकड़े, तो मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं, और मैं डाल दूंगी एक तिहाई कप टमाटर, मैंने उसके बीज निकाल दिए हैं और उसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं, और एक चौथाई कप मैंने डाल दिया अनार के दाने, दो चम्मच हम डाल देंगे चटनी, ग्रीन चटनी जो हमने बनाई है, सेंधा नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, रोस्टेड जीरा पाउडर डाल दिया मैंने, दो बड़े चम्मच हम बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे, आधा नींबू का रस, आप चाहे तो इसमें पिसी हुई चीनी भी ऐड कर सकते हो। और इसमें इमली की चटनी बहुत अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मैंने ये ग्रीन में ही भेल बनाई है। और एक कप मैं फराली चिवड़ा, मैंने हल्दीराम का फराड़ी चिवड़ा यूज़ किया है, उसमें पीनट्स भी आते हैं और आलू के चिप्स ऐसे फ्राई किए हुए, बहुत ही टेस्टी ये चिवड़ा आता है, तो सिर्फ हमें वही ऐड करना है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मैंने ये यूज़ किया है, तो भेल हमारी तैयार है, मैं उसे सर्विंग बाउल में निकाल दूंगी। तो है ना ये झटपट बनने वाली फलाहारी भेल। तो आप फास्टिंग में, व्रत में आप ये फलाहारी भेल की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।